अम्बाला में कल बरनाला के 17 साल के एक युवक को कुछ युवकों ने चाकुओं से गोद दिया था, जिसके बाद आज उस युवक की चंडीगढ़ के 32 के सरकारी अस्पताल में मौत होगी। युवक की मौत की खबर सुनकर आज उनके परिजनों ने अम्बाला नारायणगढ़ हाईवे के ऊपर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस युवकों पर कार्रवाई नहीं कर रही और वो युवक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। सड़क के बीचों बीच रोती बिलखती ये महिला 17 साल के राहुल की माँ है, जिसके बेटे को कुछ हथियारबंद युवकों ने बीते रोज जरा सी कहासुनी के बाद चाकुओं से इतनी बुरी तरह गोदा कि आज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर से पूरा परिवार और गाँव सदमे में आ गया और रोज स्वरूप अम्बाला नारायणगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शहर के कुछ युवकों ने राहुल को चाकुओं से बुरी तरह गोद कर मार डाला, लेकिन पुलिस सिर्फ मामला दर्ज कर अपने हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। परिजनों और दोस्तों ने आरोप लगाया कि सारे आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा है। प्रशासन उनके साथ है, ये प्रशासन के साथ रैलियों में जाता है, इस करके इनका साथ को सब देते हैं। और हमारे जैसे गरीबों को, और मेरे को कलबीनों ने धमकी दी है कि हम तेरे मारेंगे, मेरे को जी अपनी जान का इनसे बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे को ये किसी भी टाइम मार सकते हैं, फरारी पे हैं जी ये। मृतक राहुल की बुआ की माने तो बीते रोज राहुल की हत्या करने वाले हथियारों ने राहुल को पहले भाने से घर के बाहर बुलाया और फिर उसे पास के रेलवे स्टेशन ले गए, जहां उन्होंने चाकुओं से राहुल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद राहुल अस्पताल में दम तोड़ गया। राहुल की मौत से राहुल के पिता सुरेंद्र खुद को असहाय और मजबूर समझ रहे हैं और उनका बेटा उनकी आंखों के सामने दम तोड़ गया, लेकिन वह कुछ न कर सके। हमारा भतीजा जी राहुल कल शाम 6 बजे 7 बजे स्टेशन के ऊपर, धूलकोट स्टेशन के ऊपर 20-25 बंदों ने मार दिया जी, वो चाकू के साथ। पहले धोखेबाजी में बुलाया उसको, फिर उन्होंने वहाँ चाकू के साथ उसके अंदर निकाल दिया जी, बहुत बुरी हालत थी उसकी। मेरा बच्चा मार दिया, 16 साल का मेरा बच्चा। हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर जी। मेरा बच्चा और मेरा बेटा राहुल, वहाँ पे 25 लड़कों ने मेरा बेटा 17.5 साल का चाकुओं से रौंद रौंद के मार दिया। ये आदमी हैं जंडली के, ये नाबालिग बच्चा था मेरा, तो मैं तो उलट गया मारे गया। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पाकर खुद डीएसपी बलजीत सिंह मौके पर पहुंचे और मीडिया के सामने परिजनों को विश्वास दिलाया कि जीआरपी ने आरोपी युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और एफआईआर में सभी आरोपियों के नामों को दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस की विभिन्न टीमों को आरोपियों की तलाश में भेज दिया गया है, जिन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। डीएसपी बलजीत सिंह ने बताया कि हालांकि मामला रेलवे पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन वह फिर भी इस पूरे मामले में रेलवे पुलिस का पूर्ण सहयोग करके आरोपियों को जल्द हिरासत में ले लेंगे। पुलिस की हमारी भी टीम गई हुई है, अभी जो थाना बलदेवनगर के एसएचओ साहब को अभी आदेश दिए हैं, वो भी एक टीम भेजेंगे अभी। एक हमारी CIA 1 की टीम पहले से गई हुई है और इसके अलावा CIA रेलवे ने भी, अभी DSP शीतल सिंह जी से बात हुई थी, उन्होंने भेजा, मौके पे आए थे उन्होंने। उसके अलावा अपनी एक और टीम अन्य भेजी है, साइबर वालों को भी आदेश दिए, जो जो इनके फ़ोन वगैरह या मोबाइल फ़ोन सारे ट्रेसिंग पे लगाए हुए हैं, जैसे हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इनको तुरंत काबू करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे और तय तक जाएंगे, जिसके पास फैसला होगा वो काबू करेंगे, उसको अंदर देंगे। मेरे एरिया का नहीं था, जैसे मेरे को ये अब ये बता रहे हैं कि रेलवे का मामला था और एक और इंजर्ड बता रहे हैं, ये कोई बात नहीं, हम जैसे भी है इनका पूरा कोऑपरेशन करेंगे रेलवे के साथ। 302 में कि इन्होंने 10-15 नाम दिए, भाई नेम दिए हुए, वो FIR में है।